हेलो एवरीवन, पुइन किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बनाना ड्राई फ्रूट लस्सी। इसको बनाना बेहद आसान है, ये पीने में बहुत स्वादिष्ट होती है, बच्चों और बड़ों सबको ये बहुत पसंद आती है। इसको बनाना बेहद आसान है, चलिए एक बार इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए बनाना ड्राई फ्रूट लस्सी के लिए। हमें चाहिए 2-3 फ्रेश बनाना, 1 नींबू, स्वाद के अनुसार चीनी, थोड़े से पिस्ता जिनको मैंने ब्लांच कर लिया है, ताज़ा दही जिसे घर पे बनाया गया है, अपनी पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट को काट लीजिए, नारियल का चूरा और आधा चम्मच के करीब चिया सीड्स। अब हम इन्हें डालेंगे एक ब्लेंडर में। 2 बनाना को तोड़कर ब्लेंडर में डालें, साथ में पिस्ता, ड्राई फ्रूट, स्वाद के अनुसार चीनी। अगर चीनी आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बिना चीनी के भी ये बेहद स्वादिष्ट लगेगा। और 1 नींबू को हम इसमें निचोड़ देंगे और फिर इसे अच्छे से करेंगे ब्लेंड। अब इसे निकाल लेते हैं एक गिलास में, थोड़ा सा इसे गार्निश कर लेते हैं। हमारे पास है नारियल का चूरा, अगर फ्रेश नारियल का चूरा आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सूखा चूरा तो आराम से मिल ही जाता है। 1 लेयर हम बनाएंगे नारियल के चूरा की, उसके ऊपर हम डालेंगे चिया सीड्स और पिस्ता की कतरन, और हम इसे अखरोट से सजा देंगे। अखरोट और बादाम और पिस्ता आप अपनी पसंद के जितने ड्राई फ्रूट इसमें डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। इसके ऊपर लग नहीं रहा है तो चलो ऐसे ही रख देते हैं, नहीं तो हम इसे अपनी बनाना स्लाइस के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। ये बन गई हमारी बनाना ड्राई फ्रूट लस्सी। ये आपको बहुत पसंद आने वाली है, गर्मी का मौसम है तो प्लीज़ इसे बनाएं और इन्जॉय करें। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का आपको पता चल जाए।